Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. So, good afternoon all of you, a very good afternoon to all. So, today we are starting with this third lesson, our third lesson, that is for history. ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं history के सवाल. So, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन ready है and we are starting with the first one. उसके पहले मैं आपको बता ताकि यू गेट अ डिस्काउंट. ठीक है, माय नेम इज प्रियंका एंड यू विल गेट इंस्टेंट 20% डिस्काउंट. ठीक है, सो विद दिस विल स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अबॉलिश जिजिया. ये जिजिया काफी पॉपुलर इन फेमस टैक्स था, ये किसने समाप्त कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब? जल्दी से आंसर दे. सो गिव मी द आंसर. चलिए, काफी पॉपुलर है और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किसने इसे रीइम्पोज किया, मतलब किसने इसे फिर से शुरू किया. हेलो नोज लाइव, कम ऑन. हेलो दोज़ आर देयर, क्विकली गिव द आंसर एंड द आंसर इज अकबर. ठीक है, सो अकबर अबॉलिश जिजिया. नेक्स्ट, द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. बहुत ही पॉपुलर और सरल सवाल है ये, कहाँ पे है? चलिए जल्दी से, इज इट दिल्ली, दौलताबाद, सिकंदरा या लाहौर? चलिए जो लोग है आंसर दे. नॉइज लाइव, राज शुभम, हेलो मेनी आर देयर, कम ऑन. चलो जल्दी से, जस्ट गिव अ लाइक, हिट द लाइक बटन एंड गिव द आंसर. यस रश्मि, यस ओके स्वप्निल, यस यस यस. फॉर दीज फोर, मैंने आपको उस दिन आइडिया दी थी, फॉर दीज फोर डेज थर्सडे तक हमारी क्लास, ऑलमोस्ट इस वीक हमारी क्लास 1 PM रहेगी एंड वी विल बी चेंजिंग द टाइम. ठीक है, सो ये रहेगा हमारा टाइम. सो दौलताबाद, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी कन्वे कीजिए, वो मिलते हैं तो उन्हें कन्वे कीजिए. सो दौलताबाद विच इज इन नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है. रिमेंबर, औरंगजेब की जो कब्र है दौलताबाद इन औरंगाबाद के पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट. इनमें से कौन थे जिन्होंने अकबर्स कोर्ट विजिट किया? विलियम हॉकिंस, थॉमस स्टीफंस, राल्फ फिच या जॉन मेंडेहेल? चलिए बताइए. रश्मि, नीरज, सो कैन यू प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो लोग रोज आते हैं, क्या आप प्लीज अब तक ये सेशन उनके साथ शेयर करेंगे? Yes, राल्फ फिच. देखिए, अकबर क्या इबादत खाना हुआ करता था, इबादत खाना, वेरी वेरी पॉपुलर इबादत खाना. ठीक है, सो इस इबादत खाना में क्या होता था, सारे
इसके धर्म गुरु पंथ, फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सबके आके मॉरल डिस्कशंस करते थे एंड डिसाइड डिस्कस करते थे ऑन द रिलीजियस मैटर, उसे इबादत खाना कहते हैं। काफी पॉपुलर है। तो उसमें से सी सो वी हैव जैसे फ्रांसिस ये भी थे, फादर भी थे दो, ये हुआ करता था ना। इनके कोर्ट में राल्फ फिच थे जो कि इनके कोर्ट में आए थे, उसी तरह विलियम हॉकिंस एक इनके वक्त आए थे, जहांगीर जहांगीर, और इन्हें पहला फरमान सूरत में खोलने के लिए मिला था। नेक्स्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्लू वाटर पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनीज, किन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब अगर ये इंडियन ओशन है, टू बिकम द हेड किंग ऑफ इंडियन ओशन और बिकम द सुपर पावर और मोस्ट पावरफुल इन इंडियन ओशन रीजन, और इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। सो जो आए थे वास्को दे गामा वाले, वो है ये। तो दिस इज द हिंट फॉर यू, जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द आंसर। न्यू ब्रांच मैकेनिकल, कह रहे आप उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उसके अलग अलग टाइम ये है, वो स्टार्ट हो जाएगा शिवम, जल्दी ही स्टार्ट होगा। आज हमारा जो सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन सेशन में सबकी लिंक्स है, आप वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, यू कैन यूज माय नेम, ताकि आपको और 20% डिस्काउंट मिले। तो सभी ने आंसर में भी करेक्ट दिया, इट इज पोर्चुगीज। ठीक है, सो सबसे पहले पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इस सीक्वेंस से आए थे, पी डी ई एफ। ठीक है, पोर्चुगीज सबसे पहले 1498 में वास्को दे गामा आए थे, वास्को, एंड देन 1500 में इनके लोग और आए थे, एंड आफ्टर दैट 1500 मोर वास्को दे गामा केम अगेन, उसके बाद गवर्नर्स अपॉइंटेड थे। तो इनमें से जो फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीदा की, हु बिलोंग टू पोर्चुगीज। अलेक्जेंडर एंटर्ड इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा अलेक्जेंडर इंडिया में दाखिल हुआ, रिवर झेलम, खैबर पास, काराकोरम पास या इंदस। गौरव कुमार, वेरी गुड। ओ अजीत, अच्छा अजीत जी आप टेक्स्ट बुक में भी है, सो क्या मेरी क्लास में है? यस प्रियंका, रश्मि, चलो गाइस कम ऑन, दोज़ हू आर देयर फटाफट गिव शेयर दिस थिंग। मधु जायसवाल, कम ऑन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, चलिए जल्दी जल्दी शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट करते हैं। आंसर इज खैबर पास। देखो खैबर पास कहाँ पे है, ये काराकोरम रेंज के उधर, वी हैव खैबर पास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच है खैबर पास, दैट अफगानिस्तान साइड। ठीक है, सो खैबर पास और बोलन पास, इनकी वजह से सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए, दैट टाइम अलेक्जेंडर यूज्ड खैबर पास। ओके, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज्यादा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब जो डलहौजी ने यूज की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले लोगों के ये हत्याने की, राज्य वो किस क्रम से किए गए हैं, सबसे पहले से लेके आखिरी तक, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सातारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सातारा, झांसी, झांसी, सातारा, नागपुर। चलिए व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सातारा। सबसे पहले सातारा क्या था, मराठा रूल, सातारा, उदयपुर एंड झांसी। ठीक है, सो दिस वॉज यूज एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और झांसी तो आप जानते हैं 1857 के बाद, मतलब 8 तक ये लिया था, इट वॉज लास्ट, सातारा वॉज अ फर्स्ट। उपनिषद डील विद, उपनिषद एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करते, इसका मतलब क्या होता है उपनिषद, इसका ये किन चीजों से डील करते हैं, सोशल बिहेवियर ऑफ मैन, रिलीजन ऑफ द हिंदू, एंशियंट हिंदू लॉज, या ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड प्रियंका, वेरी नाइस, एकदम सही किया आपने। चलिए कम ऑन, आप तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल ऑफ दिस उपनिषद्स, ये वेदों के आखिरी में लिखे गए हैं, काफी रैशनल डॉक्यूमेंट इन्हें कहा जाता है, जहां पे रीजन दिया है। फेमस उपनिषद क्या है, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, सोशल बिहेवियर, रिलीजन, एंशियंट हिंदू लॉज, ये सब उपनिषद है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, किसी गुरु के समक्ष बैठना, किसी के समक्ष बैठ कर लिया हुआ ज्ञान, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे समक्ष नीचे बैठे हुए है, उसे उपनिषद कहते हैं। What was the language of people in the period of Mauryan Empire? Mauryas के वक्त क्या थी? संस्कृत, पाली, उर्दू, पर्शियन। बहुत ही आसान है, ये लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं आप। It's a लड्डू सवाल। चलिए फटाफट।
कम ऑन, जितने लोग, स्वप्निल पाठक, प्रियंका, गौरव, नीरज, रश्मि, आंसर करो। इंजीनियर शिवम, अजीत चौरसिया, मधु, नॉइज लाइव, पाली। वेरी गुड। संस्कृत तो रीति प्रकृत हुआ करती थी, सो ज्यादातर मॉडर्न एम्पायर में इट वॉज पाली। उर्दू पर्शियन तो काफी लेटर है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ हिज स्टेट मैसूर। मैसूर की कैपिटल क्या थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इजी है। मदुरई, बेंगलोर, बिदार या श्रीरंगपट्टनम। चलिए जल्दी से जवाब दे दे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आंसर इज श्रीरंगपट्टनम। और तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर जब हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो थर्ड के वक्त ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, है 1792। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रूल्ड इंदौर। किसने इंदौर पर राज्य किया? होलकर, सिंधिया, मराठा, मालवा। आंसर इज होलकर, मल्हार राव होलकर एंड बाकी जो जो भी है, होलकर, सिंधिया, ग्वालियर इधर थे, होलकर इन इंदौर। देयर वर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। 8 प्रकार के मैरिज थे। विच ऑफ देम इज लव मैरिज। लव मैरिज को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है ये, मतलब महत्वपूर्ण है और आसान भी है। अच्छा, कल के सेशन की पीडीएफ नहीं मिली है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ही अपलोड कर दूँ। गंधर्व विवाह, जब गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज, ठीक है। दैव, अर्ष, ब्रह्म मैरिज मतलब विति हाई कास्ट, ठीक है। दैव, देव विवाह, दोनों की सहमति से जब इस लिया जाता है। अर्ष, दैव, देव एंड आर्ष विवाह, इसमें से एक होता है एबडक्ट करके लिया जाने वाला। सो काफी दीज वर द टाइप्स। तो कई टाइप के होते हैं और मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइप के हैं। एक होता है असुर, ऐसा विवाह भी होता है। ओके, जैसे ब्रह्म विवाह मतलब सेम रिचुअल्स के साथ जो एक ही अपने वर्ण के इससे किया जाता है, ठीक है। और दैव में एक्चुअली वो जो हमने देखा ना, देवदासी सिस्टम जो होती है ना, वो दैव में होती है। देव, देव विवाह मतलब देव भगवान को दे देना, मतलब देवदासी सिस्टम। और वो काफी मतलब एक्सप्लॉयटिंग है, उस पंडित को दे देना। ये क्यों दे भाई, ह्यूमन राइट्स है कि नहीं? है कि नहीं? सो इट्स लाइक दैट। एंड राक्षस विवाह होता है जो एबडक्शन से किया जाता है, राक्षस विवाह। बाकी एक असुर होता है, इसमें ब्राइड प्राइस होती है। ब्राइड प्राइस मतलब कीमत चुका के, और यूजुअली वो काऊ के इस पे होती है, ठीक है। चलो, विच ऑफ दिस ऋग्वेदास मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। ऋग्वेदा ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, उसमें से सोम गॉड को कौन सा डेडिकेटेड है? ये एग्जाम में आया था, दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 7th मंडल, 8th, 9th, 10th। यस, 80 से एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राम बाबू कुमार। यस यस यस, एनटीपीसी। यस, सी जो पार्ट है ना हमारा हिस्ट्री का, एंशंट हो, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये स्पेशली एंशंट एंड मॉडर्न, ये सभी आप एनटीपीसी दो, आप एटीसी दो या आप जेई दो, इनका जो पैटर्न है वो एकदम सेम। सो ये आपको हेल्प ही करेगा, कुछ भी एग्जाम में आ जाए आपका ही सही और बाकी होगा गलत, तो सी कितना बेनिफिट होगा आपको। और ये होता है, बिलीव मी। सो इट इज 9th मंडल। सो सोम 9th, ठीक है, सोम गॉड 9th मंडल। गायत्री मंत्र 3rd मंडल का हिस्सा है। विच इज द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन ऋग्वेद। ये एकदम टिपिकल सवाल है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए जल्दी से आंसर बताएं।
So what is the answer? Answer is सिंधु. सबसे ज्यादा ऋग्वेदा में सिंधु नदी की बात की गई है. द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर. इंपेरियलिज्म, ठीक है, मतलब साम्राज्य, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी या अपने कॉलोनी बनाने की. अल्मीदा, जॉन मेंडेल, ग्रेट एंगियर, अल्फांसो दे अर्बेक्यू. इसका शॉर्टकट ना फैन है, जो पोर्तुगीज रूलर थे ना पोर्चुगीज के, वो कैसे याद रखना है? फैन. फैन मतलब फ्रांकिस्को दे अल्मीदा, ये फैन सबसे पहला. दूसरा अल्फांसो मैंगो, याद रखो इनके नाम पे ही अल्फांसो मैंगो है. अल्फांसो एंड नीनू, नूनी कुना, नूनी कुना, ये थर्ड था. ठीक है, ये तीन पोर्चुगीज रूलर्स थे. सो इनमें से किन होने, हु वाज द हु इंट्रोड्यूस इंपेरियलिज्म? अल्फांसो, जो सेकंड अल्फांसो मैंगो है FAN में. सो ही इंपेरियलिज्म क्यों? ही शिफ्टेड ही कैपिटल. इसने गोवा जीत लिया था, गोवा जीत लिया, देन एक्सपेंशन, देन ही आल्सो सेटलमेंट करने का, मैरिजेस विद दी वन, ये ही स्टार्टेड दैट. ठीक है, और जब कुना था, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, दो कैपिटल्स किए, गोवा और बंगाल, हुगली. देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857. अब बताइए ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है. कौन थे गवर्नर जनरल जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ? हाँ, यस प्रियंका, चेक सरस्वती भी है, बट सिंधु नदी की भी काफी बात की गई है. गंगा की नहीं की है, लेकिन सिंधु की तो है. चलिए, व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. लॉर्ड कैनिंग, और ये है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय. मतलब क्योंकि इस बीच, मतलब आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, With the Act of 1858, Crown change हो गया. मतलब India came under the Crown, and hence जो Governor General था वो बन गया Viceroy. तो अगर आपको वैसे ये Lord Canning was the last Governor General of India during the Revolt of 1857. Sage Kapila is associated with which philosophy? षड दर्शन कहते हैं. षड दर्शन, षड दर्शन मतलब six schools of philosophy of India, ancient period की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें योग योग है, देन संख्या, ये सारे के सारे है. तो इनमें से कपिल मुनि ये किन से जुड़े हैं? संख्या, योग, न्याय, वैशेषिका. एक है मीमांसा और तीसरा है वेदा, आखिरी है वेदांता. तो इनमें कपिल मुनि किससे जुड़े हैं? जल्दी बताएं. ठीक है, सो संख्या बाय कपिल. तो आप कैसे याद रखें? कपिल संख्या, योग बाय पतंजलि, पतंजलि, ओके, न्याय एंड वैशेषिका बाय महर्षि कनड, कानद, कनद ऋषि, और ये गौतम ऋषि, गौतम न्याय. कैसे याद रखोगे? गौतम न्याय, महर्षि कनड, ठीक है, सेज गौतम ने न्याय दिलाया, गौतम ने न्याय दिलाया, कपिल की संख्या ये तो हम जानते हैं, और वैशेषिका एटम पे बेस थी ये, कनड, कनड कर्ण होते ना कर्ण, उस तरह वैशेषिका. ठीक है, बच और दूसरी फिलोसफीज कौन सी थी? मीमांसा, छह थी ना, सो मीमांसा और वेदांता. वेदांता जो आज हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं वही है ये वेदांता. वेदों का अंत जहां होता है, एंड ऑफ वेदास, वेदांता फिलोसफी. दीज वर ऑर्थोडॉक्स स्कूल. द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया शाहजहां वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश. ओके, तो ये इनके ऊपर है, बताइए. चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, योग, योग बाय पतंजलि. चलो, भावी, गौरव, स्वप्निल, व्हाट इज द आंसर? फटाफट. Thank you.
लाहौर, ही वॉज बोर्न इन लाहौर एंड डाइड इन आगरा। ताजमहल को देखते देखते, विच ट्रीटी वॉज साइंड ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। चलो ऐसी प्रैक्टिस होती है। ट्रीटी ऑफ साल्वे, पॉन्डिचेरी, मंदसौर, मैंगलोर। डेसिसिव था ये, बहुत ही डेसिसिव थी थर्ड, यही था 1818 द एंड ऑफ मराठास दैट, एंड विद दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज क्रिएटेड। क्योंकि पुणे में ये वॉर हुआ था, भीमा कोरेगा आपने सुना होगा, भीमा दैट वाज द लास्ट वन, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जीत गए, एंड दैट टाइम द गवर्नर कमिश्नर ऑफ दिस पुणे रीजन वॉज एल्फिंस्टन। देन बॉम्बे को ही एक प्रेसिडेंसी बनाया गया, उसके अंडर पुणे और ये आता था, एल्फिंस्टन को इसका पहला गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर, Who was betrayed by a friend, captured and put to death by British during the revolt of 1857? काफी पॉपुलर है ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस फितूरी इतना करते हैं ना लोग, उनकी वजह से सब लॉस है। तो जैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान गंवाई थी, उसी तरह कौन थे इनमें से जो इनकी जान गंवाई है। चलिए कौन थे बताइए, तात्या टोपे। यू नो तात्या टोपे इतने वैलरली ही फॉट एंड लेटर ही उनके साथ ऐसी ट्रेचरी हुई। हु विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज आल्सो नोन एज अली गौहर। अब इनके टाइटल्स काफी महत्वपूर्ण है, अली गौहर के नहीं कहते थे, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू, सो अली गौहर। क्या है जवाब, कम ऑन कम ऑन, इज इट नरेंद्र यादव? ओके, आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली जीके का ऐसा है कि क्वेश्चंस ये कॉमन होते हैं, अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, तो बहुत सही रहता है और वो आपको हेल्प जरूर करेगा। इसीलिए तो मेरे स्टूडेंट्स, जहां अगर मैं चेंज भी करती हूँ ना टाइम, वो फिर भी आते हैं, किसी भी बैच के, वो एनटीपीसी के क्यों ना हो, बट वो जरूर आते हैं। आई एम सो हैप्पी, वो अरुण आते हैं ना, अरुण केशव कितनी बैचेस ट्रेवल करके आए हैं वो। ओके, सो शाह आलम टू, ठीक है, तो अली गौहर किसे कहते हैं, शाह आलम टू को अली गौहर कहते हैं, शाह आलम। ओके चलिए, आलमगीर वैसे पता है ना, आलमगीर किसे कहते हैं, औरंगजेब को। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डज नॉट बिलोंग टू द विजयनगर एम्पायर। हमने उस दिन किया था ना SSTA, याद है, सुलुवा संगम तुलुवा अरेवेदु, सुलुवा संगम तुलुवा अरेवेदु। So, इनमें से कौन सी है जो बिलोंग नहीं करती, चलो जल्दी से, ये लॉजिकल सवाल है। वैसे मैं आपका FCAT का पेपर देखूंगी, जीके का कैसे आए थे। मामलुक, क्योंकि ये क्या थी, स्लेव डायनेस्टी थी, और ये किनकी थी, ये सुल्तान। सी आई ट्राई टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन, मतलब जो लॉजिकल होता, क्या आप एग्जाम में कुछ कनेक्ट कर पाए। ये सुल्तान की जो डायनेस्टी थी ना, सल्तनत कहते हैं उसे हम, सल्तनत, वो मामलुक डायनेस्टी थी। संगम, हमने उस दिन शॉर्टकट क्या बनाया, SSTA, संगम सुलुवा तुलुवा अरेवेदु, ये क्या थी, विजयनगर की। अगला, द हिम्स ऑफ विच वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री, होत्री ऋषि किन्होन, ये कौन से वेदा की थे, यजुर साम अथर्व ऋग। इट इज वॉट,
मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, ये वो सही था आपका, ऋग्वेदा, अग्निहोत्री कहते हैं ना हम होत्र, सो व्हाटएवर द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रेसाइडेड बाय होत्रीज, होत्री ऋषि. व्हाट वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई काम नहीं था उन्हें. ओके, व्हाट वाज द चीफ ऑक्यूपेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हंटिंग या ट्रेड, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं. एग्रीकल्चर, ठीक है, पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज एग्रीकल्चर, ज्यादातर वो एग्रीकल्चर करते थे और वो ट्रेडिंग में थे. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री ये किनका काम था, आर्यंस का था, आर्यंस ज्यादातर वो थे, इसीलिए वो पेस्टोरल पीपल थे. व्हेन वाज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज ड्यूरिंग दिल्ली दरबार, और तब से हमारी कैपिटल है दिल्ली, और किंग जॉर्ज सिक्स आए थे एंड वी कंस्ट्रक्टेड गेट वे ऑफ इंडिया. Come on, फटाफट चलिए, और बाकी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए. यस, आंसर इज 1911, और इसी टाइम हुआ था एन्युलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एन्युलेशन मतलब पीछे हटना, एन्युलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वंग भंग चळवळ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वापस लिया था बंगाल का पार्टीशन, खारिज कर दिया था, एनुलेशन 1911, कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली, दिल्ली दरबार आयोजित, और किंग जॉर्ज सिक्स. हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू प्रेसाइड ओवर कांग्रेस स्टेशन एट अलाहाबाद इन 1888, इसका मतलब पहले इंग्लिशमैन किस साल हुए थे, 1883 साल बाद, और इनमें से वो कौन सी है जो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट रहे, उसी के साथ मुझे कमेंट में बताएं किसने स्थापित की कांग्रेस. चलिए, नरेंद्र अंकू, सॉरी नरेंद्र, रानू, प्रियंका, रश्मि, नीरज, भावी, गौरव, रामबाबू, कम ऑन ऑल ऑफ यू गाइस. सो रामबाबू एंड ऑल यू आर आस्किंग मी कि इज इट हेल्पफुल फॉर एटीसी एंड एनटीपीसी, यू कैन चेक, जैसे एफकैट और अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो इफ यू रियली रिलाय, आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा. George Yule, okay, so he was the, you can name it as first English president, okay, George Yule, yes, A.O. Hume is the one who established Congress, he established with Devacha and Dadabhai Nauroji, but as an Englishman it was A.O. Hume, ठीक है, उस time पे Dufferin हमारे Viceroy थे, George Yule is the first one. What was the real name of Tatya Tope? चलिए जल्दी जल्दी, फाउंडेड बाय, वेरी गुड दिव्यांशु शंकर, रानू, कम ऑन आंसर करें. व्हाट इज द आंसर, सो इट इज रामचंद्र पांडुरंग आरपी, तात्या टोपे, कैसे याद रखोगे, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग. Which act laid down a provision to organize open competitive exam for Indian Civil Services, ICS, open competition, Charter Act of 1933, 1953. आप एग्जाम में ऐसे मत करना, 33 एंड 13 को 13 ही समझ के, या कम ऑन. चलो फटाफट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, सो ऑर्गेनाइज ओपन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि अब कॉम्पिटिशन से सबको वो समान अधिकार मिले, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट वन, बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन इन आईसीएस,
ओके 1853. हु वॉज द सन ऑफ बिंबिसार? बिंबिसार बिंदुसार अजातशत्रु उदयन पुष्यमित्र शुंग. कम ऑन फटाफट. ओपन यस यस दैट इज व्हाट वी कॉल इट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडियंस के लिए भी. चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें. अजातशत्रु. अजातशत्रु देखो सन ऑफ बिंबिसार वॉज अजातशत्रु. अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता. Name the calligrapher of in Akbar's court who was honored with the title Zareen Kalam or Golden Pen. Wow. Abul Fazl, Tansen, Muhammad Hussain, Muhammad Qasim. चलिए चलिए जल्दी बताएं. आंसर इज मोहम्मद हुसैन. आपने पिक्चर में भी देखा होगा, ही वॉज देयर जिन्होंने अकबर को सिखाया लिखवाया. ऑनर विद द टाइटल ज़रीन कलम गोल्डन पेन. द बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉट बिटवीन वेरी पॉपुलर बैटल ऑफ खनवा हुमायूं नसीरुद्दीन नासिर शाह बाबर एंड राणा सांग अकबर एंड राणा सांग हुमायूं एंड शेर शाह सूरी. बैटल ऑफ खनवा बाबर एंड राणा सांगा. ओके मेवाड़ के राजा राणा सांगा एंड बाबर और कोइंसिडेंटली इनके ग्रैंडसन्स. सी द बैटल्स बिटवीन ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडसन्स मिलते हैं, वो है अकबर वर्सेस राणा प्रताप. सो पहले थे राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप. द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सिरेन इज रिटन बाय किसने लिखा है? अल बेरूनी, इबन बतूता, मार्को पोलो, फाहेन. कम ऑन कम ऑन कम ऑन फटाफट. हल्दी घाटी. बिल्कुल बिल्कुल आंसर अंजलि, स्वप्निल सही आंसर दे रहे हो. इबन बतूता, ऐसा कहते हैं कि इबन बतूता ने 7 किंग्स को, सल्तनत किंग्स को देखा है, उनके राज्यों को देखा है. ये बलबन से लेके तुगलक तक था. ओके मींस 1256 से लेके 1325 तक ये था. इसने 7 किंग्स के देखे. इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर. हु लेड द बारडोली सत्याग्रह? ये वो सत्याग्रह है, जल्दी बता दीजिए, मैं इसके रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी फटाफट थोड़ा फास्ट. हु लेड द बारडोली सत्याग्रह? वल्लभ भाई पटेल. और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को मिला सरदार ये टाइटल. सो सरदार बारडोली सत्याग्रह में यहाँ की वुमन इन्होंने दिया था. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हवा महल? हवा महल के आर्किटेक्ट कौन थे? कहाँ है हवा महल? लाल चंद उस्ताद, विद्याधर भट्टाचार्य, यूएल चौधरी या प्रवीण मेहता? चलिए चलिए चलिए. हवा महल लालचंद उस्ताद. और ऐसा कहते हैं ये जो हवा महल है ये कृष्ण के क्राउन, अब मैं तो नहीं ड्रॉ कर सकती लेकिन कृष्ण के क्राउन जैसा बनाया है, लॉर्ड कृष्णास क्राउन, उस तरह से बनवाया है हवा महल. Which treaty was signed between British and Tipu Sultan of Mysore to end the Second Anglo-Mysore War? Second, Madras, Srirangapatnam, Mangalore, Rawalpindi. चलिए स्वप्निल फटाफट आंसर करें, जितने लोग उतने लाइक और उतने आंसर्स आने चाहिए. राहुल गुप्ता ने आंसर दे दिया है, प्रफुल्ल अहमद, स्वप्निल, what is the answer? Answer is Treaty of Mangalore. ठीक है, हमने थर्ड का क्या देखा? श्रीरंगपट्टनम, ये थर्ड है. मद्रास देखो, रावलपिंडी का तो सवाल ही उठता नहीं, मद्रास है तमिल रीजन वाला, सो जवाब है मैंगलोर. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नोन एज लक लक बख्श और द गिवर ऑफ लैक्स. ओके लक बख्श. वाओ अलग अलग नेम्स मिडिवल से तो ऐसे ही आएंगे. किसे कहते हैं और किसे कहते हैं हजार दिनारी. हजार दिनारी मतलब किसे. हजार दिनारों में अपना स्लेव खरीदा था. ये दूसरा पॉइंट है. ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ. किसे कहते हैं हजार दिनारी. तब तक देखते हैं कौन है लखबख्श. कुतुबुद्दीन ऐबक गिवर ऑफ लैक्स. ओके कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने बनवाया कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. और किसे कहते हैं हजार दिनारी मतलब जो हजार दिनारों पे खरीदा गया था. मलिक कफूर. मलिक कफूर जो था स्लेव. किसका स्लेव था ये. अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी. ओके नेक्स्ट. विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. वेरी वेरी पॉपुलर वेरी इनफेमस और पूरे इतिहास में ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है. इसी राजा ने वो किया है. एंड दिस देवगिरी इज नथिंग बट उसे रीनेम किया गया दौलताबाद. क्या है जवाब. कमॉन 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 फटाफट. अहमद प्रफुल राहुल रश्मि प्रियंका. आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक. आंसर इज एमबीटी. देखो याद कैसे रखना है ये. 1320 to 2551 एंड ऑल. सो सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक जीएसटी उसके बाद एमबीटी एंड एफएसटी फिरोज शाह तुगलक. गाजी मलिक मतलब घियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन एंड एफएसटी. सो मोहम्मद बिन तुगलक तीन एक्सपेरिमेंट्स उसके थे. उसमें से एक ये था शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड देन अगेन देवगिरी टू दिल्ली. ओके ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन द ईयर 1816. अब ये भाई बड़ा ट्रिकी सवाल है. बहुत लोग आए थे जन्म 1869. महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन रॉय रविंद्रनाथ टैगोर. लेकिन जिनका 150th सेलिब्रेशन हम अभी कर रहे थे वो आंसर. बताइए कौन है वो कहां से है वो आए. चलो दिव्यांशु ने फट से आंसर दे दिया है. व्हाट इज द आंसर फटाफट. सभी आंसर चाहिए मुझे सभी के. आंसर इज महात्मा गांधी. और इसलिए उनके बर्थडे 2019 वो सेलिब्रेट एज 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है. बैटल ऑफ मुकंदरा 1735 वाज फॉट बिटवीन मुकंदरा पृथ्वीराज एंड जयराज बाबर एंड राणा सांगा मराठा एंड सिंधिया पेशवा एंड मराठा. जल्दी पेशवा एंड मराठा. ठीक है 1735. हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो शायद आप कर सकते हैं ये आंसर. एंड आंसर इज विलियम बेंटिक. ठीक है. लास्ट क्यों बोला है बंगाल का. क्योंकि विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. पहले क्या था बंगाल. एक एक राज्य के गवर्नर बनाए जाते थे. अब उसके बाद क्या हुआ. वी हैव बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास. ये हमारी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई. उसमें से सबसे बड़ा बनाया गया बंगाल को. ठीक है. इट वॉज तो उसका जो गवर्नर जनरल है ये इनके गवर्नर्स थे. दीज टू बिकेम सबॉर्डिनेट टू बंगाल एंड इसके जो गवर्नर थे वो उसे बनाया गया क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. समझा क्या आपको. हाउ इज द लॉजिक. सो विलियम बेंटिक इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. पोस्ट चेंज हो गई क्योंकि ये दोनों सबॉर्डिनेट हो गए बंगाल को. And Bengal became very powerful.
एटीसी की क्लासेस स्टार्ट होगी, मैंने बताया है आप सबकी कंसर्न, आपका ये सब कवर हो गया था, इसलिए हम करंट अफेयर्स और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? ढाका में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वेरी गुड दिव्यांशु, कमॉन कमॉन कमॉन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 एट ढाका। मुझे एक बात बताइए, आर यू रेडी फॉर मोर क्वेश्चंस? क्या आपको और सॉल्व करने हैं? आर यू रेडी फॉर मोर क्वेश्चंस? इफ यस देन वी विल हैव मोर क्वेश्चंस। चलो आंखें बंद कर लो अपनी, नहीं तो आंसर दिख जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस इन इंडिया? पोस्ट किसने शुरू की? चलो फटाफट करते हैं थोड़ा। चलिए अहमद, बिल्कुल बिल्कुल, आगा खान एंड सलीमुल्ला खान, वेरी गुड, 1906 टू आगा खान, यस। राहुल, दिव्यांशु, नीरज, स्वप्निल, नरेंद्र, प्रफुल्ल, वेरी गुड। तो थोड़ा सा अभी फास्ट करते हैं। डलहौजी, यस डलहौजी। सो इन्होंने क्या शुरू किया पता है? ही इज नोन एज द मॉडर्न मैन, मतलब इन मॉडर्न इंडिया को डेवलप करने वाले। सो इनका याद कैसे रखना है? TRP, और इसका ये सीक्वेंस है। सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की ना, टेलीग्राफ, देन दैट इज टेलीग्राम सर्विस, TRP रेलवेज, एंड P पोस्ट। कुछ 1852, 1853 एंड पोस्ट 1853-54, ठीक है। सो TRP इतना भी याद रखा तो भी बहुत है। व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ गांधीयन थॉट? गांधीयन थॉट का बेसिक फाउंडेशन क्या है? पॉलिटिकल कैंपेन, सोशल मूवमेंट, रिलीजन एंड मोरालिटी, या फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल? फटाफट। चलो रिलीजन एंड मोरालिटी, मॉरल बिहेवियर एंड रिलीजन। अंडर विच वाइसरॉय टेन्योर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड? अरे वाह, लड्डू सवाल। चलिए आज हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, विल ट्राई टू डू 60+ क्वेश्चंस, ताकि आपका ये मॉडर्न इंडिया ज्यादातर और बाकी सब भी कवर हो जाए। चंदन कुमार, नरेंद्र, यस नरेंद्र, कम ऑन, वेरी गुड। डफरिन, वेरी गुड, 1885, लॉर्ड डफरिन। काफी बेनोवेलेंट थे ये भी लॉर्ड डफरिन, एंड इनकी वाइफ लेडी डफरिन। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? अब वेरी वेरी इजी सब, सॉरी, अच्छा आसान सवाल है ये, फिर बताइए। हु पार्टिसिपेटेड? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सरोजिनी, क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह तक सभी लोग आ चुके थे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? यस, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ये आता है और इस साल आ सकता है। हाँ अभी बताया, वेरी गुड रश्मि, स्वप्निल, अरे लोग लास्ट तक देखो, लास्ट तक आंसर करना है आपको। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, असंतोषाचे जनक, असंतोष व्याकुल, ही वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड फर्स्ट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल। और ये क्यों आ सकता है, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, बिकॉज 2020 वॉज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक, 1920 to 2020, इसलिए लोकमान्य तिलक से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। Who attended second round table conference with Mahatma Gandhi? Congress ने पहला round table conference तो किया ही नहीं था, second round table conference after Gandhi Irwin Pact, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose। चलिए अजीत, फटाफट, quick, थोड़ा fast, Sarojini Naidu। अगर ऐसा पूछा कि किस किस पार्टी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कांग्रेस छोड़ के सभी लोग, फिर सेकंड में आई कांग्रेस, ठीक है, और सेकंड में क्या दिया था, कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडॉनल्ड ने। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विपिन चंद्रपाल, विष्णु गणेश पिंगड़े। सो व्हाट इज द आंसर?
आंसर इज लाला हरदयाल. लाला हरदयाल गदर मूवमेंट 1940. चलो अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर महत्वपूर्ण रहेगा मूवमेंट्स का. इंडिगो रिवोल्ट, संथल, डेक्कन म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज. सो बताइए. आंसर इज फोर. सबसे पहले संथल रिबेलियन. संथल में संथल परगनास, ओके, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ. इट वाज इन 1854 समथिंग. 1857 द सिपाही म्यूटिनी, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट 1860 तक चला. इंडिगो नील दर्पण लिखा गया था. इसके बाद आखिरी में हुआ डेक्कन राइट्स 1875 तक. द एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1929 वॉज. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एम क्या था? What is the answer? Complete disobedience from the order. Civil disobedience मतलब और aggressive. Complete disobedience of law. जैसे RTO के signal पर खड़े होके गाड़ी छोड़ के बिंदास चले जाना, बिल्कुल किसी law को ना मानना, ऐसे करना मत. Okay? But it is same. Okay, which of the following rebellions was not against restriction imposed by British rulers? Not against the restriction imposed by British rulers. Fakir and Sanyasi, the Indigo, Santhal, Naxalbari. किसी और के खिलाफ थे वो, नक्सलबारी. बाकी ये सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ, नक्सलबारी मूवमेंट. ठीक है, ये अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ. अंडरस्टूड? ठीक है. सो डू यू विश टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन मोर. टेल मी फटाफट, लास्ट 5 की चले आगे. ओके, टू विच डायनेस्टी अशोका बिलोंग. अशोका किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? चलिए चलिए, लास्ट कुछ 5 क्वेश्चंस. मेनी पीपल हैव जॉइंड, जितने लोग इतने लाइक कर जल्दी से आंसर दीजिए. अशोका बिलोंग टू विच, ये आखिरी सवाल है, आखिरी कुछ सवाल हमारे. ऑलमोस्ट आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 70. यस, सो दिस इज द 70th. मौर्य. ठीक है, सो मौर्य बिलोंग टू मौर्य. नंदा गुप्ता कण वो दूसरे थे. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म जब्त रेफर टू डैश सिस्टम. जब्ती या जब्त, इसे ही कहते हैं बंदोबस्त. इसे कहते हैं बंदोबस्त या इसे ही कहते हैं दहसला सिस्टम. ये क्या है? व्हाट इज जब्ती, बंदोबस्त? वेरी गुड. Yes, yes, Janak Jain, this is also suitable and very good for AAI because syllabus or question ka pattern bilkul same hai. Theek hai? Yes, and that is revenue. Todermal's revenue system. Todermal, yaad rakhiye, Todermal ki kaun kaun se the? Bandobas, Dahasala, Zapti, ye sab kuch land revenue system, and who was Todermal? Raja Todermal. बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर इन विच सिटी. बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा बिल्ड है वो किस सिटी में है? चलिए बताइए. आंसर इज फतेहपुर सिकरी. बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया.
चलो आखिरी दो सवाल आज के. द फेमस फिजिशियन जीवक वॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक, समुद्रगुप्त. बिंबिसार, काफी लोग जुड़ रहे हैं अभी, सीम्स लंच करने गए थे. बिंबिसार फेमस फिजिशियन जीवक ये बिंबिसार के कोर्ट में था. चलो अब आज का आखिरी सवाल, द लास्ट क्वेश्चन, और बाकी आप अपने फ्रेंड सभी को कह देंगे, जिसे भी अगर आप अदर यूट्यूब सेशन में भी मिलते हैं उन्हें कन्वे कर दीजिए कि मेरी क्लास अभी 1 PM होगी एटलीस्ट दिस वीक, सो डू नॉट मिस. जो शाम को आएंगे लोग उन्हें आप बता दीजिए. इसके पहले 12 बजे रीजनिंग की होती है, उसके बाद हमारी होगी. ठीक है, आज का आखिरी सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? धनानंद, महेंद्र, महापद्मानंद या गजानंद? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही डाल देती हूँ. व्हाट इज द आंसर? महापद्मानंद वॉज द फाउंडर एंड धनानंद जिसे ओवरथ्रो कर दिया था. ठीक है, विद दिस वी विल कंक्लूड हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 120 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, चाहे वो ATC हो या दिस SSC JEE. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल ज्योग्राफी 1 पे, जिसमें हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs लेंगे. ठीक है, सो 50 MCQs हम करेंगे प्रैक्टिस. एंड डोंट फॉरगेट, जो हमने आपको बताया था ये आपके लिए है, और बाकी सब दीज वी हैव फॉर सिविल, फॉर लाइफ, मैकेनिकल 1 एंड दिस ATC एज वेल, बायलिंगुअल और इंग्लिश दोनों. और मैंने से कुछ भी अगर आपको लेना है तो मेरा नाम ना भूले, प्रियंका, या टेस्ट बुक का कोई भी कोर्स, वो आपको और 20% मोर डिस्काउंट दिला सकता है यूजिंग माय नेम एज अ कोड, प्रियंका. ठीक है, चलो सो मिलते हैं कल, कन्वे टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय. मैंने बोल रखा है कि प्रीवियस लेक्चर्स के भी डाल दे. ठीक है, हाँ, नहीं पॉलिटी होने का है, पॉलिटी अभी इकोनॉमी हो गया, दिस हो गया हिस्ट्री, देन विल हैव. ठीक है, चलो बाय बाय बाय.